रोशनी प्लीज मुझे तो बता दे, तुम दोनों के कोई और कुछ प्लान्स हैं क्या? ऑब्वियसली प्लान्स है ना, हमारी शादी को 2 हफ्ते हो चुके हैं और सिद्धार्थ की कुलदेवी के मंदिर जाना है हम लोगों को। और मम्मी पापा ने सारी तैयारियां कर ली है, अब ऐसे में डीडी एकदम से बोल देंगी कि हम सबको आराम करने गोवा जाना चाहिए। इट्स नॉट फेयर, आपको जाना है तो आप चली जाइए। नहीं आप ही बता दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए, कुलदेवी के दर्शन या फिर डीडी का प्लान किया हुआ ट्रिप? कुलदेवी का मंदिर ऑब्वियसली, जरूर इन दोनों को कुलदेवी के मंदिर जाना चाहिए। सिद्धार्थ अगर तुम्हारा प्लान पहले ही बन चुका था तो इस पर्सनल छुट्टी के लिए मुझसे परमिशन ले लेनी चाहिए थी ना। डीडी हम सबको मालूम है कि इन दोनों की शादी किन हालातों में हुई है, रोशनी को कुछ तो अपने ससुराल की रस्मों को पूरा करने दो। एक्सक्यूज मी, सैटरडे और संडे को ऑफिशियली हर ऑफिस की छुट्टी होती है, ऐसे में अगर आपको कोई काम है तो आप एडवांस में बता दीजिए, क्योंकि सिद्धार्थ और मेरे हमारी फैमिली के भी प्लान्स होते हैं। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ Z5 पर, अभी Z5 ऐप डाउनलोड करें। हवा हवाई वी 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 ओ रेशम, केसर केसर क्या हुआ केसर? अरे अरे ये हवा हवाई शर्ट्स क्यों निकाल रहे हो? क्या हुआ? इसलिए निकाल रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ एंजॉय करने गोवा नहीं जा रहा हूँ। डीडी का स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि मैं सिद्ध और रोशनी का पीछा करूं। केसु, इसका मतलब हम दोनों अलग अलग जाएंगे। केसु, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मार गोली गोवा को। वैसे भी ना डीडी की निगरानी में कोई मस्ती तो होगी नहीं। एक काम करते हैं, तू मेरे साथ चल, हम दोनों साथ चलते हैं। ऐश करेंगे, सिद्ध और रोशनी का पीछा करना हमारे लिए बहाना बन जाएगा। हम दोनों 10 साल शादी के पूरा होने की खुशी में क्या हनीमून बनाएंगे। So sorry केसु, but I am not डीडीज गुलाम। नहीं सोचो केसु, मेरे कहने का मतलब ये था कि डीडी की बात नहीं सुनेंगे तो वो गुस्सा हो जाएगी ना, वैसे भी वो हम दोनों पे कितना भड़कती है। कोई बात नहीं, मैं डीडी के साथ चली जाऊंगी, मैं 2 दिन की जुदाई सह लूंगी केसु, और तुम भी ये जुदाई सह लेना। अच्छी तरह से अपने आप का ध्यान रखना, अच्छे से खाना पीना, अपना ख्याल रखना, और मुझे मुझे रोज फोन करते रहना केसु। आई विल, इट्स अ मिसेज यू। हवा हवाई वे 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 बाय केसु। मेरा बैग भिजवाना। वाह सब कुछ कितना सुंदर है यार। सिद्धार्थ देखो ना, ये तुम क्या फोन में लगे हुए हो? डीडी ने फिर से कोई काम दिया? नहीं बेबी देखो ना, ये मैप्स में मैं रास्ते ढूंढ रहा हूँ, एक बार मिल जाए ना तो आराम से तुम्हारे साथ बैठ के ये सारे नजारे एंजॉय करूंगा। तुम देखना तुम्हारी ये ट्रिप मैं इतनी यादगार बना दूंगा कि तुम सारी जिंदगी इस पल को चेरिश करोगी। हम दोनों एक साथ अकेले बाहर जा रहे हैं, इससे ज्यादा यादगार क्या होगा सिद्धार्थ? बहुत मजा आने वाला है। ये क्या हो रहा है? ओ भैया क्या हो गया? अभी देखता हूं सर। एक सेकंड। क्या हुआ? क्या हो गया? टायर पंक्चर हो गया। पंक्चर हो गया?
अरे यार क्या हुआ सिद्धार्थ? तो पंचर हुआ पड़ा है रोशनी, आप वहाँ क्या देख रहे हैं भाई साहब, आइए ना इसे ठीक करिए ना। सर पूरी की पूरी ट्यूब चली गई है सर, और दूसरा टायर भी पंचर हो। दोनों टायर पंचर? टेपनी तो एक ही होगी आपके पास? टेपनी तो एक ही है सर, माफ कीजिएगा सर। अरे यार भाई साहब ये तो फंस गया, माफी की क्या बात है, आपने थोड़ी खराब करी है गाड़ी। सिद्धार्थ तो अभी हम क्या करेंगे? अरे बाबा कुछ कर लेंगे, चिंता मत करो, डोंट वरी। कोई मैकेनिक है आसपास? यहाँ मैकेनिक नहीं मिलेगा सर। और इसी के साथ खाता खुल चुका है, खिलाड़ी नंबर 1 केसर की शुरुआत काफी अच्छी रही है एनडीडी के आशीर्वाद से। डीडी को बताना चाहिए। वैसे पता है राज जी, आपने ना ये हनीमून की बात छेड़कर बहुत अच्छा किया, वरना हमारा सिर तो ये ससुराल की प्रॉब्लम सुलझाने के चक्कर में जिंदगी जीना भूल गया था, और हमारी रोशनी इतना कुछ सहा है उसने इन दिनों में। अच्छा है ना, हनीमून के चक्कर में अपनी टेंशन भूल जाएंगे दोनों। तभी तो मैंने ये बात छेड़ी, हमारे बेटे को चैन के इन पलों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। वो ऐसे माहौल का आदी नहीं है, डीडी की बकवास सुन सुनकर उसका सर फट जाता होगा, लेकिन वो लड़का फिर भी डटा रहता है, किसी से कोई शिकायत नहीं करता। वरना आज की सेल्फिश दुनिया में कौन किसके लिए सोचता है। सिमरन जी मेरे इस लड़के को ना ऊपर वाले ने बड़ी फुर्सत में बनाया है, उसकी इस नेचर ने तो महान बना दिया इस लड़के को। और देखिए ना यही तो प्रॉब्लम है सिड की, वो बस दूसरों के बारे में सोचता है, ये तो सोचता ही नहीं कि उसके डैड उसके लिए कितने उदास हैं। मैं कहाँ उदास हूँ, I'm fine. Fine हो ना? हाँ। तो मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ अपने हाथों से, और पकौड़ियाँ भी। मजा आ जाएगा। सिद्धार्थ कहाँ है? तुम्हारा शॉर्ट कदम पिछले 2 घंटे से चल रहा है। आसपास ही है, देखो ना आसपास ही है। ओह प्लीज वेट, नो प्लीज प्लीज वेट। सिद्धार्थ तुम आसपास तो देख लो एक बार, दूर दूर तक तो कोई इंसान नहीं दिख, इंसान छोड़ो कोई जानवर तक नहीं है। सिद्धार्थ हम रियली भटक गए हैं। ओके अरे रोशनी ऐसा लग रहा है तुम्हें, ये देखो ना मेरा बैग बोल रहा है हम आसपास ही हैं, हम ज्यादा दूर नहीं, आई एम टेलिंग यू। अभी सिर्फ मुझे अपने पैर दिखाई दे, नो आई कांट वॉक एनीमोर। मैं थक गई। डैडी के आशीर्वाद से पीछा नहीं छोड़ूंगा। ओह बैठ गए, मैं भी बैठ जाता हूँ। सीधा ये तो यही है, पास है मेरे, मैंने फॉलो करता रहूंगा। ओ अब समझा, सारे फसाद की जड़ तो ये क्यों ब्लडी हाई हील्स, सारी गलती इनकी है। जब मैंने बोला था कि कल वॉकिंग शूज बन जाना तो क्या जरूरत थी हाई हील्स बनी रहने की, सारी गलती इनकी है, तुम्हारी गलती नहीं है। हाँ तो ठीक है ना यार, मैं भूल गई। एंड हेलो आई मीन मेरा हनीमून है यार, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, मतलब मुझे क्या पता था कि इतने घंटे पैदल चलना पड़ेगा। अच्छी खासी बस मिल रही थी यार। सॉरी बाबा हो गई गलती। अच्छा रुको अभी थोड़ी देर में आराम मिल जाएगा। सिद्धा तुम क्या कर, दीदी अब तो फोन रख दो, हम लोग यहाँ सब आराम करने के लिए आए हैं ना।
अच्छा चलो अब हमारे साथ अंताक्षरी खेलने तो चलो। नहीं मुझे जरा काम है थोड़ा, और प्लीज ये गाने बजाने की आवाज जरा धीमे ही रखना। मगर डीडी ये सारा का सारा प्लान तुम्हारा ही तो था ना, ताकि हमें काम से छुट्टी मिल सके, और अब तुम ही। हाँ मैंने ही ये प्लान बनाया, और अब मैं खुद कह रही हूँ ना कि मुझे काम है। जिन टुकड़ों पे आप लोगों को पालती हूँ ना, उन्हीं का इंतजाम कर रही हूँ। यू हैव एनी प्रॉब्लम? अब तुम्हें क्या चाहिए? चल यहां से। तुझे पता नहीं डीडी यहां पे भी काम करने आई है। जब देखो भिखारियों की तरह मुंह उठाकर चला आता है। मैं कहती हूं चल यहां से, चल अभी चल। जाओ। इमोशनल फूल्स। रोशनी अब जितने पैसे थे उसमें यही मिल पाए, चलेगा ना? सिद्धार्थ मैं कहीं पे भी जाऊंगी जहां तुम लेकर जाओगे, चलेगा? नहीं दौड़ेगा। वैसे सिद्धार्थ अभी जल्दी से रूम में चले, मुझे बहुत नींद आई है, नहा के सो जाएंगे प्लीज। क्या नहा के सो जाएंगे? या तुम्हारा कोई और प्लान है? क्या मतलब मेरा कोई और प्लान है? हमारा हनीमून है, ऑफ कोर्स मेरा कोई और प्लान है। सिद्धार्थ प्लीज, लोग देख रहे। यस सर, हाउ मे आई हेल्प यू? हाय। हाय। आई एम सिद्धार्थ, सिद्धार्थ कुकरेजा, और ये मेरी वाइफ हैं। हमने बुकिंग कराई थी कल। जस्ट अ मोमेंट सर। श्योर। सर बुकिंग तो कैंसिल की गई थी। व्हाट? कैंसिल? लेकिन ये कैसे हो सकता? सर बुकिंग तो कैंसिल दिखा रहा है। अरे बट हाउ इज इट पॉसिबल मैम? सर आप खुद ही देख लीजिए। फॉरगेट इट। आप एक काम कीजिए, आप हमारे लिए फ्रेश बुकिंग कर दीजिए। आई एम रियली सॉरी सर, पर अब तो सारे रूम्स फुल हो गए। अरे? आपको नई अकोमोडेशन ढूंढनी पड़ेगी। अरे लेकिन ऐसा कैसे कर सकते हैं आप लोग हमारे साथ? अब ये बताइए कि यहाँ आसपास कोई और दूसरा होटल या मोटेल है? सर आसपास तो नहीं, पर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। 10 किलोमीटर? रोशनी क्या हुआ? रोशनी क्या हुआ? कोई पीछा कर रहा है। रोशनी रोशनी ये देखो, देखो कुछ भी तो नहीं है बाबा, बिल्ली है, बिल्ली है, देखो तो सही, बिल्ली है देखो, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अरे क्या क्या कर रही हो? पति को तो मारता है। पति परमेश्वर होता है, परमेश्वर को मारती हो, शर्म नहीं आती? कैसे लड़की है यार, एक तो खुद ही दूर जाना चाहती थी, अब जब मैंने स्पेस दी तो मुझे मार मार के आउटर स्पेस में भेज रही हो। तो तुम मारूंगी ना, जब प्यार तुमसे करती हूँ तो लड़ूंगी भी तुमसे ही ना। जब फर्क है कि इतनी सी बात समझ नहीं आती तुम्हारे, और बड़े है मेरी बात मानने वाले। मैंने बोल दिया अकेला छोड़ दो तो अकेला छोड़ दोगे क्या? कल को बोलूंगी कुएं में कूद जाओ, कूद जाओगे? अकल नहीं है? कूद जाऊंगा बोलोगी तो कूद जाऊंगा, बोल के तो देखो एक बार। अरे मान लिया भाई, तुम्हारा सिर डफर है, बेवकूफ है, गधा है, अकल नहीं मुझमें। अगर अकल होती तो अपनी प्यारी सी सुंदर सी बीवी को ऐसे अंधेरे में छोड़ के जाता क्या? रोशनी तुम्हें दुनिया का बेस्ट हनीमून देना चाहता था, सब गड़बड़ कर दिया मैंने। थोड़े पैसे और होते ना तो मैं तुम्हें। सिद्धार्थ आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। देखो हमारे पास जो भी है ना, मैं खुश हूँ तुम्हारे साथ, आई स्वेयर। इस वक्त ना बहुत भूख लगी है। भूख लगी? तुम मुझसे खुश नहीं हो ना? नहीं बात। अब ये बात कहाँ से आ गई? तुमने तो बोला था वो मोटेल के रिसेप्शन के बाहर
ओहो रोशनी, गुस्सा, गुस्से में बातें निकल जाती हैं मुंह से, दिल से नहीं लगाते हैं। गुस्सा तुम्हें याद है, उसके बाद जो वो प्यार वाला पैचअप हो गया था वो तुम्हें याद ही नहीं, ये बात अब कहां से आई? मतलब तुम इस बात को मानते हो ना कि गर्ल्स बिल्कुल नहीं बोलती हैं? ओ मतलब धमकी दे रही हो तुम मुझे, ये बात तुम मेरे अगेंस्ट कभी ना कभी यूज करने वाली हो, है कि नहीं? ये सब छोड़ो, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ यार मुझे भी बहुत भूख लगी है। अरे भैया खाना ले आओ, मेरे पेट में कुत्ते भौंक रहे हैं, जल्दी जल्दी। आ गया आ गया आ गया आ गया, बस साहब आपका पालक पनीर और ये दाल तड़का। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जाओ रुक जाओ, मैं सर्व करेंगे, मैं कर देता हूँ, क्या दिक्कत है? अरे पर ओके कोई नहीं। ये जीरा राइस और ये तंदूरी रोटी। थैंक यू सो मच। बट स्पून्स का क्या करोगे, खाओ ना आराम से, हाथ से। हाथ से कौन खाता है? हाथ से कौन खाना है, मतलब ढाबे बैठ के हाथ से ही खाते हैं, कॉन्टिनेंटल फूड नहीं है, इंडियन फूड है ये। खाओ खाओ खाओ, बहुत मजा आएगा। ओके बाय। ओह माय गॉड, ये लो और चावल लो। सिद्धार्थ वेल इट्स यम। तुम्हें पता है मेरी मॉम होती ना ऐसी जगह पे और ऐसा खाना तो जिंदगी में नहीं खाने देती। और मेरी मॉम ना एग्जैक्टली ऑपोजिट है, इतनी चटोरी है कि दिन भर ये सब खा सकती हैं। पर मेरी वजह से वो भी नहीं हो पाया ना, ना ही मेरी मॉम तुम्हारे साथ ये सब करती और ना ही हमें तुम्हारे घर की जगह मेरे घर रहना पड़ता। रोशनी कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो तुम, मैं तुम्हारा पति हूँ, जब मुझे प्रॉब्लम नहीं है तो क्यों परेशान हो रही हो तुम? भूख के मारे बुरा हाल हो रहा है रोशनी, खाना खा लो, खाना ठंडा हो जाएगा। रोशनी कम ऑन। ओह माय गॉड, नॉट टेस्टी खाना सर। ये देखो क्या है, वाओ ये भी खुद ही सर्व। कोई नहीं, भूलो मत, 5-स्टार होटल नहीं है, ढाबा है। ओए, चीयर्स। सॉरी, चीयर्स। वो मजा आ गया रोशनी, इतना अमेजिंग खाना था। भैया बिल ले आइए प्लीज। थैंक यू सो मच, मजा आ गया, कमाल का खाना था। थैंक यू, 1 सेकेंड। ये 575 रुपीज का बिल है। वो तो ठीक है लेकिन मेरा वॉलेट कहाँ है? अरे तुम्हारे पास ही होगा ना। जरा अपना बैग चेक करो। मेरे बैग में चेक करो ना बाबा, मेरे पास नहीं है। नहीं है सिद्धार्थ, मेरे पास में नहीं है वॉलेट। अरे अगर तुम्हारे बैग में भी नहीं तो गया कहाँ? मुझे लगा सब कुछ तुमने प्लान किया तो मैं पैसे लेके नहीं आई। तुमने बिल्कुल पैसे नहीं रखे? नहीं मैं, ये इतना बड़ा बैग किस काम का है, गले में लटकाने के लिए? अरे मैं लड़की हूँ तो पर्स तो रखूंगी ना, मेकअप होता है उसमें। मेकअप ढाबे पे मेकअप? भैया एक्चुअली थोड़ी गड़बड़ हो गई है, मेरे पास पैसे है नहीं, मेरा वॉलेट कहीं गिर गया, तो क्या मतलब कुछ कर सकते हैं? खाना खाया साहब तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे ना। प्लीज मेरा भरोसा रखिए, मैं आपको आके पैसे दे जाऊंगा, लेकिन इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है आप रुकिए, मैं मालिक से बात करता हूँ। प्लीज केयरलेस नहीं यार। वो साहब ने खाना खा लिया और बोल रहे पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? ऐसे कैसे नहीं है, तुम काम देख, मैं देखता हूँ उसके। आया जी कर लो, अभी से तुम ही बात करो। सर एक्चुअली थोड़ी गड़बड़ हो गई है, पैसे नहीं है मेरे पास, मेरा वॉलेट कहीं गिर गया, और क्या कर सकता हूँ? नहीं तुम्हें कुछ नहीं करना, ऐसा है कि तुम जैसे छोकरे यहाँ डेली आवे हैं अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के चक्कर में, और यहाँ मुफ्त का खाना खाने के लिए, जो भी करेगी ना वो पुलिस करेगी। पुलिस? हाँ। अरे सर मेरी बात तो सुनिए। अरे कुछ नहीं सर, पैसे दे जाऊंगा आपको मैं। कोई काम ढंग से हुए सुबह से? अरे मैंने क्या किया यार, इसमें मेरी क्या गलती है, गिर गया वॉलेट, मैं थोड़ी फेंक गया हूँ कहीं पे। ये डीडी बिना डीडी के आशीर्वाद से रोशनी को जेल की हवा खानी पड़ेगी। ये देखो फिर से मुंह खुलाकर बैठी है, जैसे मैंने ही सब कुछ जानबूझ के गड़बड़ किया हो। ये लड़कियां इतनी अजीब क्यों होती हैं? Excuse me? कुछ कहा तुमने? कुछ नहीं।
अरे खाना खा क्या? नाम? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ कुकरेजा। आपका नाम? रोशनी पटेल। आपकी कौन लगती है? जी मेरी बीवी है, पत्नी है मेरी। पत्नी? ये बोली पटेल और तुम बोले कुकरेजा, कैसे? हाँ तो अभी अभी शादी हुई है हमारी, हनीमून पे आए हैं, तो सर पत्नी है मेरी। तो कागा? हाँ हाँ सर, मैं मतलब हम एक ढाबे पे खाना खा रहे थे, शायद किसी ने मेरा वॉलेट मार लिया, तो पैसे नहीं थे मेरे पास देने के लिए, इसलिए हम लोग यहाँ फंस गए। हाँ तो फिर इसका गुस्सा जायज है ना रे बाबा। क्या क्या बात कर रहे हैं सर, ये तो अनफेयर है, आप इसकी साइड कैसे ले सकते हैं? अब मेरा वॉलेट खो गया, इसमें मेरी क्या गलती है, आप उसकी साइड ले रहे हैं? ये हनीमून का टाइम है, तो अपने हनीमून के टाइम पर पुलिस थाने में ना, तो गलती किसका हुआ? तो हम तो बच्ची का ही साथ देगा ना। अब फटाफट अपने मम्मी पापा को फोन करो, उनसे पैसे मंगवाओ और फिर मजे से अपना हनीमून मना। ओह गॉड, हनीमून में थाने के भी दर्शन हो गए। सर टाइम क्या हुआ है? बहुत टाइम हो गया। हम इतनी रात को कहाँ जाएंगे? पता नहीं रोशनी, कुछ सोचना पड़ेगा। मुंबई की बस कितने बजे मिलती है? मुंबई की बस क्यों? क्योंकि हम मुंबई वापस जा रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ और रिस्क नहीं ले सकती। लेकिन क्यों? अरे इसमें मेरी क्या गलती है यार, मैं थोड़ी करा रहा हूँ ये सब। अरे यार अब इतनी रात को कोई रहने की जगह है, हम कहाँ जाएंगे? एक जगह है, आज मेरी नाइट ड्यूटी है, पूरा घर खाली है, तुम लोग चाहो तो मेरे घर जा सकते हो। जी लेकिन इतनी रात में कहां तक भटकोगे? अरे 10 मिनट की दूरी पर ही तो है मेरा घर। जी लेकिन हम लोग इस तरह आपके घर से घर के लगते हो, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ में है, चलो। हाँ इसे ये रूम में रख दो, इसको यहाँ रख दो, और गाड़ी में एक और बैग होगा वो ले आओ। अरे मेरा भी बैग होगा, लेकर आना। अरे केसर बहुत काम करके आ रहा है, थक गया होगा, तुम्हारी तरह ऐश की छुट्टी नहीं मना रहा था। जाओ थोड़ा इसके लिए गर्म पानी अरेंज करो। यहाँ क्या कर रहे हो, उन पर नजर कौन रखेगा? मिशन खलास, मैंने उनके हनीमून में कोहराम मचा दिया है डीडी के आशीर्वाद से। I'm impressed. रोशनी तुम आ गए, क्या हुआ आप अकेले आई हो? अरे बेटा तुम दोनों आ गए, तुम दोनों के दर्शन कैसे रहे, सब ठीक रहा? दर्शन अरे तुम दोनों दर्शन करने गए थे ना, साथ में जुकाम ले आए? हाँ बुआ दर्शन ही तो करने गए थे, वो वहां पे ना तो बारिश हो गई और मजा आया। अब सिद्धार्थ और मेरा पहला ट्रिप था ना, तो बहुत एंजॉय किया है ना सिद्धार्थ? बहुत। चलो तुम लोग फ्रेश हो जाओ, डीडी के आशीर्वाद से गई रेशम पानी में। इतना सा काम कहा था तुम्हें,
और तुमसे वो भी नहीं हो पाया। डेली के आसपास मैं सच कह रहा हूँ, मैंने खुद देखा था। क्या देखा था तुमने? हाँ? वो तुम्हारी वजह से मेरी बेटी उस टीचर के साथ जिंदगी भर के लिए कैद हो जाएगी। एंड यू सेड अपने देवर पर हाथ उठाएंगे। अपने देवर पर हाथ उठाना आपको शोभा नहीं देता सासू मां। केसर चाचा की गलती नहीं है, गलती आपकी है। आप ही ने इन पर ट्रस्ट किया, इन्होंने सब कुछ आपके मुताबिक किया। टायर्स पंचर किए, बुकिंग्स कैंसिल कराएंगे, और तो और हम किसी और के घर पर रुके थे, उसकी छत पर चढ़कर छत में छेद किए ताकि बारिश का पानी लीक होकर के घर के अंदर आ सके, हम लोग एक ना हो सके। सब कुछ इन्होंने आपके मुताबिक किया है सासू मां। आपकी मेहनत को, आपकी लॉयल्टी को और आपकी डेडिकेशन को सल्यूट करता हूं मैं केसर चाचा। अच्छा हाँ, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, आपकी अमानत, ये उसी कांस्टेबल के घर के बाहर गिरा हुआ मिला मुझे जिसकी छत आपने खराब कर दी है। सासू मॉम, अब रिश्ते कैसे निभाते हैं, कैसे रिश्तों की इज्जत करते हैं, ये भी मैं आपको सिखाऊं। इसे चाचा, अपनी सासू मॉम की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं, इन्हें आप पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। I'm so sorry. सासू मॉम, इतना गुस्सा क्यों सासू मॉम? देखिए होता क्या है कि उम्र के साथ साथ आपका दिल ना और कमजोर होता चला जाता है, और आपको तो ऑलरेडी हार्ट अटैक आ चुका है सासू मॉम, क्यों इतना रिस्क लेती हैं आप? मुद्दे की बात करो वरना दफा हो जाओ मेरे कमरे से। तो मुद्दे की बात सुनिए सासू मां, मुद्दा ही लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है, और खुदा प्यार करने वालों के साथ होता है। शायद इसीलिए आपके हजार अड़ंगे डालने के बाद भी, लाखों तिगड़म लगाने के बाद भी कुछ नहीं हो पाया, सब ठीक हो ही गया। वैसे एक बात कहूं सासू मां, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अब आप मुझे गालियां देंगी, मुझे ह्यूमिलिएट करेंगी, मेरी बेइज्जती करेंगी, मेरी इंसल्ट करेंगी, मुझे अपनी बेटी से दूर रहने पे मजबूर करेंगी, ये तो होना ही है, ये तो एक्सपेक्टेड है आपसे सासू मॉम। लेकिन इस तरीके से ऐसी ओछी, ऐसी छिछोरी हरकतों पे उतर आएंगी, ये मेरी उम्मीद सही पर है। मतलब अपनी बेटी के हनीमून पे उसी के चाचा को भेज के जासूसी कराना, टायर पंचर कराना, छतों में छेद कराना, छोटे 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 वाले काम है ये, आपको सूट नहीं करते हैं सासू मॉम। मतलब आपके स्टेटस को, आपकी स्टाइल को सूट नहीं करते। मैं एक सुझाव देता हूं आपको, आपके सामने खड़ा हूं, सीने पे वार कीजिए, पीठ पर नहीं, सामने से लड़िए। और मैं वादा करता हूं अगर आप ऐसा करेंगी तो मैं आपके सामने हमेशा सर झुकाया खड़ा रहूंगा, आपकी हर गाली को, आपके गुस्से को आशीर्वाद समझकर सीने से लगा लूंगा। लेकिन इस तरह नीचे मत गिरिए। इनफैक्ट चलिए मैं ही शुरू करता हूं, मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूं, आप मेरी सासू मां को मेरे बच्चों की नानी मां बनने से रोक कर दिखाइए। ओपन चैलेंज एक्सेप्ट चैलेंज। मैं अपनी बच्ची को तुम्हारे इतने करीब आने ही नहीं दूंगी कि उसे दूर करना मुश्किल है। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।